हाय गाइस, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी डॉग जिया की बर्थडे। आज उसकी बर्थडे है एंड ये रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज उसकी एग्ज़ाम भी है एंड अभी तो स्कूल खुल गई है तो स्कूल भी है उसको। तो कैसे कैसे उसका डे सेलिब्रेट करते हैं आज की वीडियो में दिखाऊंगी मैं। तो सबसे पहले उसको स्कूल छोड़ के आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। उसको थोड़ा सा मंदिर लेके जाना है एंड स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जो ही जिया को बहुत पसंद है, हम भगवान को भी पूजा कर सकते हैं एंड जो भी हमारे घर पे आज गेस्ट हो या फिर जिया की जो फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पे, सबको देने के लिए गुलाब जामुन अच्छे। सबसे ज़्यादा जिया को बहुत पसंद है घर के वाले गुलाब जामुन, जो कि जो रेडीमेड वाले आते हैं ना, तो उसी में ही मैंने किया है। एंड गुलाब जामुन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर पर बनती है। उसके बाद हमने भगवान को जनरली घर पे जैसे पूजा होता है, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए हमने किसी को बुलाए थे, तो वो डेकोरेशन में लगे हुए हैं जो बलून से, जो हमारे मेन गेट है वहाँ पे थोड़ा ऐसा डेकोरेशन किया है। एक्चुअली ये जो है रेड एंड वाइट में बलून, हमने थीम ऐसे सोचा है क्योंकि जिया की जो एक्चुअल जो ड्रेस हमने लेके आए हैं वो रेड एंड वाइट कम्बिनेशन में है एंड इसलिए जो है ये कलर को हमने चूज़ किया है। एंड उसके लिए हमने कुछ गिफ्ट्स भी रखे थे तो वो मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको नहीं पता है तो इसलिए उसको भी मैं पैक कर रही हूँ यहाँ पे एंड देखते उसके रिएक्शन कैसे लगता है उसको गिफ्ट्स। ये उसको पता भी नहीं है ये सब चीज़ें, तो वो यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ एंड यहाँ पे डेकोरेशन भी चल रही है। ऐसे हैप्पी बर्थडे वाला हमने बीच में लगा के फिर साइड में से बलून लगाने, एक्चुअली जो तो बहुत ज़्यादा बलून्स नहीं लगाना चाहते, उससे क्या है ना पेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हमने वो ग्लू जो डॉट डॉट काइंड ऑफ ग्लू लगाए हैं, लेट्स सी वो कैसे वॉक करती है, निकलती है कि नहीं निकलती है वो देखेंगे आगे। तो गाइस मैं अभी दिखाती हूँ आपको डेकोरेशन कैसे हुआ है। तो ये कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है हमारे इधर एंड ये बड़ा सा बलून है जिसमें बहुत सारे हमने चॉकलेट्स डाल दिए हैं। तो पता नहीं यार ये बलून्स कब तक रहेंगे, फट ना जाए बस। बेसिकली उसका केक कट होने तक तो एटलीस्ट ये रह जाए। एंड लो डियर हैप्पी बर्थडे में डे वाई भी चला गया है नीचे। ओके, तो अभी जो है थोड़ा बहुत मैस पड़ा हुआ है नीचे, बलून वलून जो ख़राब हो गया था, तो उसको पहले क्लीन करती हूँ क्योंकि जिया अभी स्कूल से आने वाली है। तो पहले क्लीन कर लेती हूँ एंड देखते हैं उसके एक्सप्रेशन कैसा रहता है। क्या हुआ आगे मेरी बर्थडे का, चलो देखो कैसे लग रहे हैं आप। अच्छा है ओनली मामा जानते हो, आज अनुमान के क्लास में एक लड़के ने बोला हैप्पी बर्थडे भैया, फिर अनुमान बोला इसकी शक्ल पहले देखो सब। कोई बात नहीं, चल गॉड वाओ कैसे देखो, तो इधर तो देखो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर चॉकलेट से वो बेटा नहीं मिला, क्या ना पापा गए थे नहीं मिला, वो अंकल आए थे करने के लिए तो करती है ऐसे। देखो तो ऐसे नहीं, आप खड़े हो जाओ बीच में खड़े हो जाओ। है ओए होए, तो जियाज क्या खाई? कुछ नहीं, सुबह वो ब्रेड पकौड़ा दे दिए थे और कुछ नहीं, इमली की चटनी थी बट मैं नहीं खाती इमली भी। अच्छा, लंच में क्या मिला? लंच में हमें मिला शायद राइस और दाल और कुछ और एक मिठाई भी था। राइस डाल और कुछ भी नहीं, सब्जी कुछ नहीं? नहीं सब्जी नहीं खाई ना। नहीं खाई सब्जी? नहीं खाई, पापा बोले थे थोड़ा। मामा क्या कर रहे हो? मामा खाना बना नहीं रहे, खाना दे दिया आपको प्लेट में। आपकी फेवरेट ही तो बनी है आज। ये क्या चिकन है? फिश। फिश है, आपने तो बोले थे कि मुझे फिश खाना है, फिश बिरयानी खाना है, वही बना आज फिश बिरयानी। मुझे लगा कि ये कुछ और है, मतलब ये चिकन है। चिकन नहीं, फिश है। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। चलो गिफ्ट्स ओपन करो, तब से बैठे हैं तब से तो आपको गिफ्ट्स ही ओपन करना है, कर लो। मैं खोल दूँ, हेल्प करो? नो, मतलब उसको छोड़ दो, बाकी का इधर से खींचो, उसको छोड़ दो, उधर की जरूरत नहीं है, फिर इधर से नहीं हो रहा है, मैं करूँ हेल्प? डब्बा सैंड क्लीप।
अच्छा लगा? अच्छा है बहुत। इसको बाहर निकालो। आपको ये वाला चाहिए था ना? करो पॉप इट, प्लीज पॉप इट। ये एक कलर है जो अर्थ जैसा लगता है एकदम। अच्छा लगा, चलो दूसरा खोलो। दूसरा ये वाला खोलो। हाँ। इसे लग रहा है कि चॉकलेट है। देखते है ही। ये तो बहुत बड़ा है। इसमें क्या हो सकता है? ड्रेस। कैसे पता चला ड्रेस? आपने तो न्यू ड्रेस ऑलरेडी पहन चुके हो। जानती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो ड्रेस ही रख सकते हैं। इतना बड़ा है तो ड्रेस ही होगा। लेट्स सी, देखते हैं। ओ हो गया। हाँ मिल गया। I'm the brave girl. You are a brave girl. चलो उसको ओपन करके तो दिखाओ। तब जब शाम को केक कटिंग करोगे तो ये ड्रेस में करोगे कि ये रेड ड्रेस में करोगे? रेड में करोगे, क्योंकि सारे रेड व्हाइट में तो थीम। ओ गिरा गिरा गिरा, डी गिर गया। डी का अच्छा लगा आपको? बस चेक करना यही है कि आपको ये साइज आएगी कि नहीं। तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ बोल लेके आए हैं, तो इसको इसमें कुछ चॉकलेट हम डाल के फिर उसको ही हम ऐसे पैक कर रहे हैं। तो मेरे पास इट्स नाइस पैक। देखा कैसे पैकेजिंग किया आपने? वाओ ब्यूटीफुल। आपको तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए। पैकेजिंग इंडस्ट्री में आपको होना चाहिए, है ना? अरे किस लिए हो रहा है? कौन से त्योहार के लिए? अरे जिया बताओ किसके लिए हो रहा है ये? किसके लिए? जिया की बर्थडे के लिए। बर्थडे में जो जिया की बर्थडे की रिटर्न गिफ्ट के लिए। ओके देने के लिए। ओके तो हमारी दादी अम्मा यहाँ पे सो गई है। मैं उसको ज़बरदस्ती सुलाई आज की, थोड़ा सा बेटा रेस्ट कर लो, नहीं तो फिर शाम तक बहुत नींद आने लगी, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी वो। तो स्कूल जाए, स्कूल आज वैसे भी बहुत एक्साइटमेंट की वजह से बहुत जल्दी उठ गई है, उनके थोड़ा सा सो जाए ताकि वो फ्रेश हो जाए। तो नहीं कर रही थी, फिर भी जैसे गिफ्ट्स उसकी खोल ली, सारे गिफ्ट्स देख ली, तो उसको अब तब जाके वो मानी, तब जाके वो सो गई है। तो कुछ बच्चे जो घर पे हमने इन्वाइट किया है उसकी, जो हमारी सोसाइटी में जितनी उसके फ्रेंड्स थे, तो कुछ ही बच्चों को हमने 10-11-12 ऐसे बच्चों को हमने बुलाए हैं। तो उनके लिए जितना हो सके हमने ऐसे सोचा है कि घर में ही सारी चीज़ें बनाएंगे, जो भी हम उनको चिप्स वगैरह जो है वो तो बाहर से लाना पड़ेगा, बट बाकी जो चीज़ें हैं मैं घर पे बना के दूंगी, ऐसे तो सोचा है। गुलाब जामुन तो मैंने पहले दिखाया, गुलाब जामुन बन चुकी है एंड और कुछ कुछ है तो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि बस हो गई, थोड़ा सा बैठती हूँ आधा घंटा, फिर जाके बनाते हैं। मेरी फेस की हालत फिलहाल कुछ ऐसा है, मैंने सुबह से मैं एक मॉइस्चराइजर के अलावा कुछ भी नहीं लगाई हूँ। एंड जिस दिन हम लोग सोचते हैं ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एंजॉय तो होता है, उसके साथ साथ तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी होता है, इसके वजह से थक भी जाते हैं। तो लिटरली मेरी आँखें ऐसे हो रही कि मुझे लग रहा है कि मुझे भी नींद आ जाएगी, पर सोने जाऊँ तो बाकी का काम नहीं होगा, एंड इसीलिए सोने के बारे में भूल जाओ। बेटू रेडी नहीं होना है अभी? हो गया टाइम? अभी 5:30 के आसपास हो रहा है, चलो आपको रेडी करा देती हूँ। आपके सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे ना? क्या हो गया? चलो रेडी हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? इस लड़के का नाम क्या है? डुक्कू है। फिर इधर से बोलो, आपका नाम क्या है? क्या पीयूष? अच्छा आपका नाम क्या है? फिर ये नित्या। नित्या के बाद मीर, फिर अनाया।
बर्थडे पार्टी हो गया, फिर और एक बर्थडे पार्टी बाकी है ना। जिया को अच्छा लगा, जिया की तो सारे फ्रेंड्स आए थे। तो गाइज मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना पड़ा है आज। तो मैं दिखाती हूँ कि ये ड्रेस मैंने ऑलरेडी जो है कहाँ से ली थी, अजियो से ली थी एंड किसी हॉल वीडियो में मैंने उसको शेयर की थी। अभी रिसेंटली जो ऑनलाइन शॉपिंग हॉल मैंने शेयर की थी उसमें मैंने ये ड्रेस शेयर की थी। एक ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ ड्रेस है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है एंड बहुत ब्यूटीफुल से ड्रेस है। एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे बस नॉर्मल ये एक चूड़ी पहनी है जिसको निकाल के मैं बस ऐसे ये सिल्वर घुंघरू वाले एक एक बैंगल्स में पहनूंगी। उसके साथ मैं ये ली थी, ये पूरे सेट ली थी मेरी भाई की शादी के टाइम में मैंने ली थी, मैंने जो उसी हॉल वीडियो में मैंने शेयर की थी। तो उसकी ओनली इयररिंग्स में आज मैं पहनने वाली हूँ। एंड उसी हॉल में मैंने ये मीशो से ली थी ये रिंग, जो कि ये रिंग एंड ये जो कि बहुत अच्छे से मैच हो रहे, तो ये आज मैं वेयर करने वाली हूँ। बस इतना ही रखना है एंड ये सब जो गोल्ड की है ये सब निकाल दूंगी मैं एंड बस रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी निकलना है, बहुत ज़्यादा लेट हम हो चुके हैं एंड ऐसा नहीं कि सारे मेहमान पहुँचने के बाद हम पहुँचे, तो इसलिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। कंप्लीट हो गई है एंड मैं जल्दी से मेरी आउटफिट दिखा देती हूँ जो आज मैं पहन के जा रही हूँ। ओवरऑल लुक बस दिखा रही हूँ आपको। तो कुछ ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, सारी जो भी आज मैं यूज कर रही हूँ ना सारी प्रोडक्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये है तो यहाँ पे हम आके पहुँच चुके हैं जहाँ पे जिया की बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एंड डेकोरेशन भी वही वाइट एंड रेड की कॉम्बिनेशन में रखा है, जो कि उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग सब कुछ हमने पहले से प्लान करके रखा था। एंड ये जो प्लेस है ना बहुत ही अच्छा प्लेस है, मतलब खेती के साइड में ही है, ऐसे रिजॉर्ट है ये एंड काफ़ी सुकून वाला प्लेस है। वहाँ पर शोर शराबा ये सब चीज़ें बहुत नहीं है यहाँ पर, अच्छा है। बट वीडियो के हिसाब से मैं यहाँ पर देखूँ तो थोड़ा सा लाइट कम लग रहा था, अदरवाइज अच्छा था। वहाँ पे क्या है ना ऐसे हॉट काइंड ऑफ ऐसे बनाए हैं तो वैसे आपको बैठनी है वहाँ पे। और उस दिन क्या है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी दिन में एंड शाम को, अच्छा है कि शाम को थोड़ा बारिश कम हो गई एंड इसलिए अच्छा खासा सेलिब्रेट हमारा हो गया। तो जिया यहाँ पे केक कट कर रही है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही कि मम्मा मैं यहाँ से टूटू केक कट की, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो थी अपनी बर्थडे को लेके। एंड उसकी बारिश भी उस टाइम में नहीं हुआ था एंड अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। वो पूरे दिन के लिए बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरी बर्थडे बहुत अच्छे से गया। एंड उसकी भी बहुत फ्रेंड भी यहाँ पे थे तो वो भी काफ़ी एंजॉय की एंड हमने भी काफ़ी एंजॉय किए। दिन में जैसे ही बारिश हुआ तो ये ओपन प्लेस है एक्चुअली रिजॉर्ट, तो हमने बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, कैसे अगर बारिश होगा तो फिर मतलब सारी चीज़ें बहुत बेकार जाएगी एंड ऐसे तो लाइक भी नहीं रहेगा। मतलब जो हमने हॉट में जो चीज़ें हमने करना था हमें वो नहीं हो पाएगा, तो उसके डेकोरेशन एंड ऑल दैट कुछ मायने नहीं रखेगी एंड बलून्स भी हवा में चले जाएंगे, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत पहले थोड़ा सा हम टेंश थे। बट अच्छा है कि उसका बारिश भी कम हो गया एंड वो बहुत ज़्यादा इंजॉय की यहाँ पे। एंड ये इतने सारे क्या जो है हमारी फ्रेंड्स है वो सब आए थे एंड हमने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे एंड बहुत लेट भी हो गया था तब तक हमने जितना हो सके उसकी डे को सेलिब्रेट किए। उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, डिनर करके फिर हम घर वापस आएंगे। तो कुछ ऐसा रहा उसकी बर्थडे ब्लॉग। एक्चुअली घर आके मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं उसकी वीडियो को एंड करना ही भूल गई थी, तो इसलिए ऐसे ही मैं वॉइस ओवर करके वीडियो को एंड करती हूँ। एंड जिया को जो गिफ्ट्स की वीडियो है किसी ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। एंड ये थी गाइज हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज बाय।